जिंदगी यादों का कारवां है, खट्टी मीठी भूली बिसरी यादें, क्यों ना उन्हें जिंदा करें अपने प्रिय एनिमेशन सीरीज को याद करके। दोस्तों, हमने अपने लाइफ में बहुत सारे कार्टून और एनिमेशन सीरीज देखे होंगे, लेकिन इनमें से एक या फिर दो ही ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों पर राज करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक राजा टेक LTE चैनल पर लोगों के पसंद को देखें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनिमेशन सीरीज डोरेमोन और शिनचैन है, जिसमें से डोरेमोन की A to Z स्टोरी मैंने पहले ही बना रखी है। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं शिनचैन की। शिनचैन को तो आप सब जानते ही होंगे, इस शैतान बच्चे को कौन नहीं जानता होगा। ये एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जिसे हर उम्र का व्यक्ति देखना पसंद करता है। इसकी बातें सुन हंसे बगैर कोई रह ही नहीं सकता। बच्चों से लेके बूढ़े तक हर उम्र के लोग सबके साथ इसे बैठकर देखते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको इस कार्टून के पीछे की असली कहानी पता है? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं शिनचैन के पीछे छुपी अनटोल्ड स्टोरी का। और पूरे यूट्यूब पर, इन पूरे सोशल मीडिया पर ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप A to Z सब कुछ जान जाओगे शिनचैन के बारे में। और अंत में हम शिनचैन के डेथ पर भी चर्चा करेंगे। सो नाउ लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटेड। शिनचैन का पूरा नाम है शिनोसुके नोहारा। साथ में उसके माता पिता और छोटी बहन हिमावारी और एक छोटा पपी रहते हैं। शिनचैन के डैड का नाम हिरोशिमारो नोहारा है, जो कि इंडिया के शोज में हैरी रखा गया है। और शिनचैन की मॉम का नाम मिसाई नोहारा है, जो कि इंडियन शोज में बदल कर मित्जी नोहारा रखा गया है। और साथ साथ इस शो में शिनचैन के चार खास दोस्त भी है, नैनी, बोचैन, मसाओ और कजामा। इस कार्टून का पूरा नाम है क्रेयॉन शिनचैन। क्रेयॉन शिनचैन पहली बार 1990 में साप्ताहिक वीकली एक्शन नामक एक जापानी साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी, जिसे फुटाबाशा पब्लिशर्स ने पब्लिश किया था। 1990 से लेकर 2000 तक ये कॉमिक वीकली एक्शन मैगजीन में छपी, और उसके बाद 2001 से 2010 तक ये मांगा टाउन मैगजीन में छपी। दोस्तों, 1990 से लेकर 1992 तक क्रेयॉन शिनचैन इतना फेमस हो गया कि इसका एनिमेशन सीरीज बना दिया गया, जो 1992 में टीवी आसाई पर प्रसारित होना शुरू हुआ और अभी भी दुनिया भर में कई टेलीविजन नेटवर्क पर चल रहा है। लेखक योशितो उसुई, जिन्होंने शिनचैन को बनाया था, उनकी मृत्यु के कारण अपने मूल रूप में मांगा 11 सितंबर 2009 को समाप्त हो गया था। परंतु शिनचैन तब तक इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि इसे बंद नहीं किया जा सकता था। इसलिए 2010 की गर्मियों में योशितो उसुई की टीम ने इसके नए सीरीज को बनाया, जिसे न्यू क्रेयॉन शिनचैन के नाम से जाना गया। दोस्तों, यदि आप शिनचैन के फैन हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि शिनचैन का पसंदीदा चीज है चोको चिप्स और पसंदीदा हीरो एक्शन कामिन। एक चीज जो थोड़ा सा अटपटा लगता है वो ये है कि शिनचैन के सभी कैरेक्टर्स एक टाइम स्केल के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, पर शिनचैन अभी भी 5 साल का ही है, जबकि सभी कैरेक्टर्स ने अभी भी अपने परिचय के समय अपनी उम्र बनाए रखी है। उदाहरण के लिए, यदि इस सीरीज में दो प्रमुख जन्मों को ध्यान में रखा जाए तो पहला शिनचैन की बहन हिमावारी का जन्म और दूसरा शिनचैन की टीचर के बच्चे का जन्म इस सीरीज में टाइम बीतने के साथ साथ ही हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि शिनचैन 7 साल का होना चाहिए और दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शिनचैन स्टिल 5 साल का ही दिखाया जा रहा है। भारत में शिनचैन 19 जून 2006 को हिंदी में डब करके हंगामा टीवी पर प्रसारित होना शुरू हुआ।
और ये बात भी हैरानीजनक नहीं होना चाहिए कि भारत में इस एनिमेशन को बहुत पसंद किया गया। कुछ ही समय में शिनचैन ने हंगामा टीवी के सभी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली, जिससे हंगामा टीवी का 60% कैपिटल शेयर इसी शो की वजह से आ रहा था। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बात जानकर आप थोड़े दुखी जरूर होंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था जब शिनचैन को बैन कर दिया गया था। एक्चुअली शिनचैन के व्यवहार को लेकर पेरेंट्स की शिकायतें थी, और वो शिकायत थी शिनचैन का भारी मात्रा में नंगू पंगू हो जाना और उसका बड़ बोलापन। ऑब्वियस रिजल्ट ये था कि दोनों का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत चीज करने से मना करते थे तो बच्चों का आंसर होता था कि शिनचैन भी तो ऐसा करता है। इन सभी कंप्लेंट्स को ध्यान में रखकर और शिनचैन एनिमेशन के बच्चों पर नकारात्मक प्रभावों के कारण भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंग्लिश में बोले तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2008 में इस एनिमेशन सीरीज पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रतिबंध से पहले क्रियोन शिनचैन का शेयर हंगामा टीवी चैनल के बाजार में 60% तक बढ़ गया था, जिसका मतलब ये हुआ हर 100 में से 60 बंदा शिनचैन एनिमेशन देखता था। प्रशंसकों से कई अनुरोधों के बाद भारत सेंसर बोर्ड ने शिनचैन के एपिसोड्स को एडिट किया और उनमें कई बदलाव किए। उदाहरण के लिए कई चुटकुलों को परिवार के अनुकूल होने के लिए संपादित किए गए, और जहां जहां वाइन शब्द का यूज किया गया था वहां वाइन शब्द को बदलकर जूस का यूज किया गया। कुछ सीन्स को परमानेंटली काट भी दिया गया। जो सीन्स हटा दिए गए उनमें शिनचैन का एलिफेंट डांस और बट शेकिंग डांस शामिल है। और अंत में 27 मार्च 2009 को भारत में एक बार फिर शिनचैन को पुनर्जीवित किया गया। इंडिया में शिनचैन के वॉइस को हिंदी में डब करने का काम आकांक्षा शर्मा ने किया है। शिनचैन शो को अभी तक 30 भाषाओं में डब किया गया है, जो 45 देशों में प्रसारित हुई है। इसमें 1007 से अधिक एपिसोड और 26 फुल लेंथ वाली फिल्में हैं। 3 फरवरी 2019 को सुपर शेरो नामक एक एनीमे स्पिन ऑफ सीरीज की घोषणा की गई। स्पिन ऑफ का मतलब ये होता है कि किसी मेन एनिमेशन से किसी एक कैरेक्टर का अलग से सीरीज बना देना। जैसे यदि आप छोटा भीम के रेगुलर व्यूअर रहे हैं तो आपको पता होगा कि छोटा भीम में राजू नाम का एक कैरेक्टर है। घुमा फिरा के ये कि छोटा भीम का भी स्पिन ऑफ है माइटी राजू के नाम से, जो छोटा भीम एनिम के राजू पर केंद्रित है। ठीक उसी तरह सुपर शीरो शिनचैन के कुत्ते शीरो पर केंद्रित है। So it was all about शिनचैन। और वो चीज जिसका शायद आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, द सीक्रेट बिहाइंड द डेथ ऑफ शिनचैन। सो लाइट्स कैमरा एक्शन। ये जो आपने अब तक देखा उसके पीछे की कहानी ये है कि शिनचैन रियल लाइफ में एक 5 साल का लड़का था। कैसे, तो ध्यान से सुनो। ऐसे मसाई नाम की महिला जिसका एक 5 साल का बेटा शिनोसुके नोहारा और एक छोटी बेटी थी, एक दिन अपने बच्चों के साथ बाजार घूमने के लिए निकली, जिस दौरान छोटी बच्ची खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गई और मसाई का ध्यान नहीं गया। अपनी बहन को सड़क पर जाते देख उसका भाई उसे बचाने के लिए सड़क की ओर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा कार के नीचे आके हादसे का शिकार हो गया। बेटी की मौत के बाद उसकी माँ बेहद परेशान रहने लगी और अपने बच्चे की याद में पेपर पर क्रियोन से चित्र बनाती थी, और साथ ही वह चित्र द्वारा यह दर्शाती थी कि उसका बेटा आज जिंदा होता तो सब किस प्रकार खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होते। क्रियोन शिनचैन की ये स्टोरी सिर्फ एक झूठी अफवाह है, यह सत्य नहीं है। जी हाँ, यह सत्य नहीं है, दिस इज नॉट राइट। नंबर 1, लोग बोलते हैं इससे इंस्पायर होकर ये शो बना है।
नंबर टू, कुछ लोग इसे ही लास्ट एपिसोड बनाकर शिनचैन को मार देते हैं। सच ये है कि दोनों चीजें गलत हैं, तो रियलिटी क्या है, यही ना। तो सुनो, मांगा के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने से पहले शिनचैन के लेखक योशितो उसुई ने एक दुकान पर काम किया जिसे दारुकुआ स्टोर कहा जाता है। योशितो उसुई ने मांगा क्रियोन शिनचैन का निर्माण इसलिए किया क्योंकि वह यह बताना चाहते थे कि जब वह एक बच्चे थे तो क्या क्या करते थे और क्या क्या वह एक बच्चे के रूप में करना चाहते थे जो अपने बचपन में नहीं कर सके। वह वयस्क दृश्य के साथ एक बच्चा बनना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से दिखने में तो बच्चा हो लेकिन अंदर से दिमाग एक बड़े यानी वयस्क इंसान का हो। अपने इन्हीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने शिनचैन मांगा सीरीज बना डाली और वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो डेली लाइफ पर बेस्ड हो, जिसमें ना कोई सुपरनेचुरल पावर्स हो और ना ही कोई गैजेट्स हो, ठीक वैसे जैसे डोरेमोन में होते हैं गैजेट्स, यू नो। उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का ठाना जिसे हम सब अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकें। और बंदे का इमेजिनेशन देखो यार, उसने क्या बना डाला, आपका सबसे प्यारा दोस्त शिनचैन। सो दोस्तों, अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि कार एक्सीडेंट वाली स्टोरी बिल्कुल फेक है, बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिनचैन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा, क्या शिनचैन मर जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, शिनचैन नहीं मरेगा। इसके लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल देने से पहले, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, फ्री है। और ये जो साइड में घंटा है उसे भी बजा देना ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। द प्रूफ, यह दिखाने के लिए कि शिनचैन और हिमावारी जीवित होंगे, 2010 की फिल्म कॉल द स्ट्रॉम माय ब्राइड, हिंदी में बोले तो विलेन और दुल्हन, इस बात का सीधा प्रूफ है कि शिनचैन नहीं मरेगा बल्कि जीवित रहेगा। इस फिल्म में आप स्पष्ट रूप से शिनचैन, उसके परिवार और दोस्तों के भविष्य को देख सकते हो। आप उसके बूढ़े माता पिता को उसी घर में रहते हुए देख सकते हो जो थोड़ा टूटा हुआ है। इस मूवी में शीरो के बहुत सारे बच्चों को भी आप देख सकते हो। आप हिमावरी के बड़े रूप को भी देख सकते हो। मूवी के अंदर लास्ट में हिमावरी एक बाइक की सवारी करते हुए आती है और अपने पेरेंट्स की जान बचाती है। आप तमीको को भी देखोगे। कौन तमीको? जो शिनचैन की फ्यूचर की दुल्हन है। यदि आपने शिनचैन की विलन और दुल्हन मूवी नहीं देखी है तो एक बार देख लो। तो संक्षेप में, सिनोशुके यानी कि शिनचैन कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। शिनचैन कभी नहीं मरेगा, ना ही परिवार और ना ही उसके दोस्त मरेंगे। शिनचैन सीरीज जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। सोशल मीडिया पर चल रही कहानी फेक है, कृपया सोशल मीडिया के अफवाहों पर विश्वास ना करें। और अंत में आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहां फॉलो कर लो। और यदि आपको अपने टॉपिक्स पर कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। Till then, this is Raja signing off. Keep watching.